Hi guys, so we recently got the guidelines for Unlock 6.0 and we are getting many questions कि जैसे ही हम lockdown से unlock में आ रहे हैं, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा impact हो रही है किसी पे वो है उसका sleep cycle. So आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी sleep cycle को improve कर सकते हो या फिर lockdown से पहले वाले pattern पे लेके जा सकते हो. सबसे पहले थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि स्लीप साइकिल काम कैसे करती है. सो हमारा जो हार्ट है यानी कि हमारा जो कार्डियक रिदम है वो सन के साथ कनेक्टेड होता है. सो दैट्स व्हाई जब आप सुबह उठते हो जैसे ही सनराइज होता है इट सेज कि इट्स अ गुड टाइम टू वेक अप और जैसे ही सनसेट होता है इट सेज इट्स अ गुड टाइम टू गो टू स्लीप. वैसे ही जैसे ही सनराइज होता है सनसेट होता है अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी में हॉर्मोनल चेंजेस इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कब आपको जागना है और कब आपको सोना है. सो लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये पूरा जो पैटर्न था घर में रहने की वजह से ख़राब हो गया. आप कभी भी उठ रहे हो कभी भी खा रहे हो देयर वाज नो स्पेसिफिक रूटीन. तो सबसे पहले ज़रूरी है अपनी बॉडी को उस रूटीन में लाने के लिए जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है. नाउ डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन आपको अपनी स्लीप साइकिल को वापस पैटर्न में लाने के लिए 2 से 1 हफ्ते का टाइम कभी भी लग सकता है यानी कि 2 दिन से 1 हफ्ते का टाइम. तो सबसे पहले अपने सोने के टाइम से 4 से 5 घंटे पहले कोशिश कीजिए कि अपना जो ब्लू लाइट का एक्सपोजर है उसे कम करो. ब्लू लाइट का मतलब क्या हुआ? गैजेट्स यानी कि फ़ोन पे टीवी पे लैपटॉप पे किसी भी ऐसे गैजेट पे जिससे ब्लू लाइट एमिट होती है उससे अपना एक्सपोजर कम रखिए ताकि आपकी बॉडी ये समझ सके कि अब धीरे धीरे सोने का टाइम हो रहा है और जो स्पेसिफिक मेलाटोनिन हार्मोन है उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो सके. दूसरा सोने से पहले अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश कीजिए जैसे कि अब आप कोई हॉट शावर ले सकते हो. अभी वेदर चेंज हो रहा है तो आप कैमोमाइल टी या कोई भी हर्बल टी इंक्लूड कर सकते हो जिससे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम डाउन होगा एंड इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल. तीसरा आपका कैफीन इंटेक यानी कि सोने से कुछ देर पहले तक कोशिश कीजिए कि कैफीन इंटेक ना ले. कैफीन एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्लीप साइकिल को इम्पैक्ट करती है और आपके डीप स्लीप के प्रेफर्ड टाइम में हिंड्रेंस क्रिएट करती है. सो कोशिश कीजिए कि आपके सोने से 3 से 4 घंटे पहले तक आप कैफीन ना लें. और एक लास्ट पॉइंट वो है ट्रिप्टोफैन यानी कि अपने मील में कोशिश कीजिए कि ट्रिप्टोफैन एक जो अमीनो एसिड है वो ज़रूर ऐड करें ताकि जो आपका मेलाटोनिन है विच इज़ योर स्लीप हार्मोन उसे इंक्रीज किया जा सके जिसका एक बेस्ट तरीका है रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध या फिर वॉर्म मिल्क. सो रात को सोने से पहले कोशिश कीजिए कि 1/2 घंटा 1/4 घंटा पहले आप वॉर्म मिल्क ज़रूर पिए ताकि जो आपका ट्रिप्टोफैन है वो मेलाटोनिन इंक्रीज करने में हेल्प करेगा एंड इट विल इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल. इसके अलावा वर्कआउट यानी कि वर्कआउट एक ऐसी चीज़ है जो आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है और धीरे धीरे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है. सो कई बार ऐसा देखा गया है कि रात को लेट वर्कआउट करने से आपका जो स्लीप पैटर्न है वो भी आगे को शिफ्ट हो जाता है यानी कि आपको जल्दी नींद नहीं आती. तो कोशिश कीजिए कि आप अपना जो वर्कआउट है वो या तो फर्स्ट हाफ में रखें या फिर अर्ली मॉर्निंग ताकि आपकी बॉडी धीरे धीरे उस रूटीन में वापस जाना शुरू कर दे. सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से टू इम्प्रूव योर स्लीप साइकिल. अगर आपके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है कोई सजेशन है सो प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिए विल गेट बैक. थैंक यू.